नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ा और थोड़ा सा उसको समझा कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है, इसको क्यों पढ़ा जाए और इसको पढ़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं या इसको पढ़ने से हमारा क्या बेनिफिट है। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमको इस पूरे कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और इस कोर्स को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें जान जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रूफ टेक्निक, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी दिए हुए सिचुएशन को, सिनेरियो को आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे प्रूफ करोगे, इसकी बेसिक टेक्निक को समझाएंगे। फिर जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका प्रीपोजिशनल लॉजिक। प्रीपोजिशनल लॉजिक यानी कि लॉजिकल फॉर्मूले क्या होते हैं जिसमें हम लोग नेगेशन और एंड प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे, टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे, हम लोग कंट्राडिक्शन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इक्विवेलेंस एंड नॉर्मल फॉर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉजिक एंड नॉर्मल फॉर्म के बाद हम लोग लॉजिक एंड कंप्यूटर्स का डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को कंप्यूटर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को कैसे कंप्यूटेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपका जो अगला टॉपिक आएगा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी बहुत लोगों ने 11 12th में पढ़ रखा है, कुछ लोग 8th से पढ़ते आ रहे हैं बेसिक्स ऑफ सेट थ्योरी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेन क्या है, इसको डिस्कस करते समय आपके यूनिवर्सिटीज में, गेट में, नेट में किस तरह के एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे। फिर जो आपका अगला टॉपिक आता है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन भी आपको जो है मैं समझाऊंगा सेट थ्योरी को पढ़ाने के बाद। फिर आपका अगला टॉपिक आएगा ग्राफ। ग्राफ देखिए, ग्राफ दोस्तों अलग ही एक अपना सब्जेक्ट है या अलग ही एक पेपर है जिसको ग्राफ थ्योरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो बेसिक ऑफ ग्राफ है मैं उसको यहाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डिस्कस करूँगा। फिर आपका जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो और भी कई सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलते हैं, कहीं कहीं ग्रुप थ्योरी का अलग अपना एक टॉपिक होता है, अलग एक पेपर होता है, उसको लोग पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी को। फिर जो आपका अगला टॉपिक होगा हम इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ जो पार्ट आपको इस कोर्स में नहीं कवर हुए रहेंगे उन सबको भी आपके कहने पे जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू रहा कि इस कोर्स के दौरान, पूरे कोर्स के दौरान आप क्या क्या चीज़ें सीख पाओगे, क्या क्या समझोगे, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि डेली की क्लास, डेली की वीडियो आप अटेंड करिए, देखते रहिए और ध्यान से समझते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स दिए जाएं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और उसको खुद से देखिए कि प्रॉब्लम मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशनल लॉजिक को, कि प्रीपोजिशनल लॉजिक क्या है, या सबसे पहले जान लो कि लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो लॉजिक क्या है, अब इसमें देखो अगर हम प्रीपोजिशन को भी देख ले, प्रीपोजिशनल को तो देखेंगे ही, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लॉजिक क्या है। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ
कि टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को आप ऐसे समझिए कि टुडे इज संडे मैं बोल रहा हूँ, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या आप जिस दिन वीडियो देखते हैं ये जरूरी नहीं कि ये आपका संडे ही हो, ये क्या हो, जरूरी नहीं है कि संडे ही हो। तो इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं कि ये डेट भी ये हो, है ना, उसके साथ में अगर डेट भी ऐड कर दें तो क्या होगा, एक लॉजिकल स्टेटमेंट बन जाता है। इसी तरह अगर हम कहें कि मान लीजिए एक रास्ता है और इस रास्ते पर आप जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप जा रहे हैं और जाते समय यहाँ कोई एक आदमी बैठा है, यहाँ एक आदमी बैठा है, ये क्या करता है, यहाँ जब आप पहुँचते हो भैया तो इसकी आदत है हर एक घंटे पर, यार एक घंटे में ये या तो झूठ बोलेगा या तो सच बोलेगा, ठीक है, या तो ट्रू बोलेगा या तो फॉल्स बोलेगा, या तो आप कह सकते हो कि ट्रूथ टेलर होगा या लॉयर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और आपको कहीं भी यहाँ से आगे जाना है, ये आपका चौक है, इस चौक पर ये बैठा हुआ है, इसका काम ही है कि ये रास्ता बताता है, हर एक घंटे पर सही रास्ता बताएगा, हर एक घंटे पे गलत रास्ता बताएगा। जब आप यहाँ पहुँचते हो, इससे रास्ता पूछते हो कि भैया रास्ता बता दो हमको यहाँ जाना है, तो अब सिचुएशन क्या डिपेंड है, उसको ये होना चाहिए कि वो इस समय झूठ बोल रहा है या सही, तभी आपका रास्ता सही होगा, नहीं तो पहुंचना होगा कहीं, पहुंच जाओगे कहीं फिर परेशान होगे और उसको आके फिर क्या करोगे, तुम सोच सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप उससे सज्जनता से पेश आते हैं या लड़ाई करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इस सिनेरियो में क्या आपने देखा कि वो डिपेंड करता है कि वो क्या है, कंडीशन है, उसमें क्या कंडीशन है कि वो इस समय ट्रू है, सही बोल रहा है या फॉल्स। मान लीजिए उससे रास्ता पूछा कि कहीं जाना है, मान लीजिए डेस्टिनेशन एड्रेस ये ए है ये बी है, अब यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, यहाँ आप पहुँचे और उससे आपने कहा कि भैया मुझको डेस्टिनेशन ए पर जाना है, ये इसमें से कौन सा रास्ता मैं चूज करूँ जिससे मैं डेस्टिनेशन ए पर पहुँचूँगा। अब उसके बताने का जो सिनेरियो है, कंडीशन है, वो क्या हो सकता है कि वो इस समय हो सकता है ट्रुथ वाले कंडीशन में हो, तो ये आपको बता देगा कि ये वाला रास्ता पकड़ के चले जाइए, आप डेस्टिनेशन ए पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो फॉल्स वाले कंडीशन पर होगा, फॉल्स वाले पे होगा, तब क्या होगा, वो आपको बता देगा कि आप इस वाले पे चले जाओ, तो आपको जाना होगा कहीं, पहुंच जाएंगे कहीं। तो ये क्या है, एक तरह का पजल है, एक तरह का लॉजिक है कि वो डिपेंड करेगा कि उसकी कंडीशन क्या है, वो इस समय ट्रू बोलेगा या फॉल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मैं कहूं एक्स इज ग्रेटर देन 5 और एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज ग्रेटर देन 5 और एक्स बिलोंग्स टू एन, मैंने कहा एक्स एक नंबर है जो कि बड़ा है 5 से और x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो भैया देखो नेचुरल नंबर में क्या आता है, x इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन n तक, एंड सो ऑन n तक। अब इसमें हम अगर 1 पुट कर दें, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो 1 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन ट्रू है नहीं। तो अगर मैं कहता हूं ये कंडीशन ट्रू है, 1 इज ग्रेटर देन 5 अगर ट्रू हो, तो मैं जो बोल रहा हूं ये क्या है, ये
फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। फिर से इसको बोलता हूं, अगर मैं कहता हूं कि वन बड़ा है फाइव से, वन इज ग्रेटर देन फाइव, ये कंडीशन ट्रू है, तो मैं जो बोल रहा हूं ये क्या है, फॉल्स है। मैं जो बोल रहा हूं ये क्या है, फॉल्स है। खैर, तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि मैंने लिखा कि वन इज ग्रेटर देन फाइव, मैंने लिखा वन इज ग्रेटर देन फाइव, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आपका ट्रू है। लेकिन अभी के लिए ये कंडीशन क्या है, मैं फॉल्स ही लगता हूं कि ये कंडीशन आपका फॉल्स है, वन इज ग्रेटर देन फाइव कंडीशन फॉल्स ही है, ऐसा मैं मान के चलता हूं, मान के क्या चलता हूं, यही है ही। और अगर आपके पास यही हो जाए सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव, इस कंडीशन में ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर ये ट्रू, और ये इस समय पे क्या होगा, ये इस समय पे आपका ट्रू होगा, सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव ये ट्रू है ना, वन इज ग्रेटर देन फाइव ये फॉल्स है। तो आप क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पर, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर ये ट्रू और फॉल्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि इसमें कुछ लॉजिकल चीजें हमको दिखाई दे रही होंगी। अब इन्हीं लॉजिकल को, लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, प्रीपोजिशन का, और हम उसको फिर सॉल्व करते हैं, ट्रू या फॉल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहा लॉजिक का। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन किसी भी लॉजिक का एक डिस्क्रिप्शन होता है, किसी भी लॉजिक का एक डिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन। अच्छा, तो प्रीपोजिशन को हम लोग ऐसे समझें कि अगर हमारे पास ऐसी एक वैल्यू है, x इक्वल टू मान लो कि 1 है, x इक्वल टू 1 है, अब मैं कहता हूं कि वैल्यू कोई ऐसी है कि जो कि x से बड़ी है, x से बड़ी है, मैं ऐसा ले लेता हूं, x जो है ऐसा ले लिया कि x जो है बड़ा है 5 से, x क्या है 5 से बड़ा है, ये कंडीशन क्या है अभी के लिए, ये फॉल्स है। अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, इसको मैं ऐसे ले लूं, x की वैल्यू अगर अभी के लिए क्या हो गई 6, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, अभी ये ट्रू है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, या तो कंडीशन ट्रू हो रही है या तो फॉल्स हो रही है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे कंडीशन हमको हमेशा मिले, हमको हमेशा मिले। यही सपोज कर लीजिए कि मैं अगर आज आपको बताऊं कि ये डे है, और उस डे पर आप अगर वीडियो नहीं देखते हैं, तो उस केस में ये कंडीशन आपके लिए, या ये डे आपके लिए ट्रू नहीं होगा, ये आपके लिए ट्रू नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके पास जो डेट है, मैं डेट बता दूं, तो उसके सिनेरियो में, लेकिन अगर आप ऐसे बोलूं कि आज की डेट ये है और आप वीडियो किसी और डेट में देख रहे हो, तो आपका वो मैच नहीं होगा, उस कंडीशन में भी वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन आप सेम डे पर देख रहे हैं तो वो क्या है, ट्रू है। जैसे मैं कहूं कि टुडे इज हॉट डे, या ऐसे कहूं कि टुडे इज हॉटेस्ट डे, अगर मैं इस तरह से बोलता हूं, हो सकता है कि जो अगला डे आए, उस डे पर आज से भी ज्यादा गर्मी हो, तो मेरा ये कंडीशन, मेरा ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू नहीं होगा। तो प्रीपोजिशनल लॉजिक के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और किस किस सिचुएशंस में होगा, इसको हम प्रीपोजिशनल लॉजिक के थ्रू समझते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।
पढ़ते रहिए, समझते रहिए।